हाई गाइज़ आई होप यू आल आर डूइंग वेरी वेल माई नेम इज़ सी अंशुल मित्तल एंड इन दिस वीडियो आई विल स्टार्टिंग विद दिक्स चैप्टर ऑफ ए सी सी एफ सिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेंशंस सो गाइज ये जो चैप्टर है हमारा पेंशन इसमें अगर मैं तुम्हें बोलूँ हमारा थियोरी पार्ट और प्रैक्टिकल यानी कैल्कुलेशन्स में बोलूँ तो ये चैप्टर हमारा थियोरी जो अंडरस्टैंडिंग है सेवेंटी परसेंट हमारा थ्योरेटिकली समझने वाला है और सिर्फ थर्टी परसेंट है इस चैप्टर में जो प्रैक्टिकल है तो ये चैप्टर मोस्टली थ्योरी वाला है इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ठीक है हैं प्रैक्टिकल बट बहुत ज्यादा नहीं है तो इसी तरह से हम इस चैप्टर को करेंगे अब इसमें थ्योरी ज्यादा है तो मैं बुक का एक एक पॉइंट तुम्हें समझाऊंगा राधा दैन मैं तुम्हें सारे पॉइंटर अपनी तरह से लिख के दू उसका फायदा नहीं है क्योंकि हो सकता है बुक में कुछ किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे कोई नई चीज़ हमें बताइ हो तो हम बुक प्रॉपरली रीड करेंगे एंड अच्छे से हर चीज को समझेंगे एंड लर्न करेंगे तो सबसे पहले हमारे को एक चार्ट दिया हुआ है मैं नॉर्मली चार्ट नहीं कराता हूँ किसी भी चैप्टर में बट यहाँ मैं तुम्हें एक बार इस चार्ट को हल्का सा बता देता हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस है और इसे थोड़ा सा तुम्हें समझने में आसानी होगी तो रजिस्टर्ड पेंशन पेंशन स्कीम तो रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम क्या होती है अब ये चैप्टर दिस चैप्टर इज मोर ऑफ फाइंडिंग आउट रिलीफ ऑन पेंशन मतलब अगर इनकेस कोई भी इम्प्लॉ अपनी जो उसको सैलरी आती है उसमें से कुछ पार्ट डिलीट कर देता है सॉरी डिलीट में बोल गया कुछ पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है टूवर्ड्स पेंशन पेंशन मतलब कि ये पैसे मैं अभी नहीं ले रहा हूँ ये पैसे मेरे अलग से फंड में डाल दो दैट इज रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम में डाल दो ताकि आफ्टर आई गेट रिटायर्ड तब मैं इस पेंशन फंड से अपने बुढ़ापे का सहारा निकाल सकूं और उस टाइम पे मैं अपनी सैलरी खर्च कर सकूं अपनी इनकम यूज़ कर सकूं बिकॉज ऑफ ऑफकोर्स जब 60 58 रिटायरमेंट की जाती है और हमने अगर पेंशन में कुछ भी पैसे नहीं रखे तो क्या होगा हमारे साथ तब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे कुछ भी करने के लिए कैसे जियेंगे कैसे हॉस्पिटल का खर्चा करेंगे कैसे खाएंगे पियेंगे है ना हर वक्त तो बच्चों पर विश्वास नहीं कर सकते क्या पता बच्चे कहीं बाहर चले जाएँ कुछ करें क्या पता किसी की लाइफ में क्या हो क्या ना चल रहा हो तो हमेशा हमें अपने आप को सिक्योर रखना होता है तो हम अपनी पेंशन कराते हैं तो ये चैप्टर हमें ये बताता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे नहीं कर रहा अगर वो पेंशन फंड में पैसे जमा कराता है तो जिस साल वो फंड में पैसे जमा कर रहा है उस साल उसको कितना टैक्स लगेगा या कितना बेनिफिट मिलेगा पेंशन पे ये चीज़ ठीक है तो रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम दो टाइप की होती है पहली बात रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम में कौन कौन पैसे डाल सकते हैं या तो अगर एक पर्सन इम्प्लॉयड है अगर जॉब कर रहा है वो भी डाल सकता है अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड है या जॉब नहीं कर रहा कुछ भी काम नहीं कर रहा वो भी पेंशन फंड में पैसे डाल सकता है अगर उसके पास कुछ पैसे हैं सेविंग पड़ी हुई है पुरानी वो भी पेंशन स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है या सकती है ठीक है अब अगर एक पर्सन एम्प्लॉयड है तो वो

गवर्नमेंट ने अलग से खोली हुई है मुझे जो मेरी ऑफिस की पेंशन स्कीम है वहां पैसे नहीं जमा कराने मैं गवर्नमेंट वाली में पैसे जमा कराना चाहता हूं ऑफिस वाली में मुझे ट्रस्ट नहीं है मे बी या हो सकता है एक पर्सन कुछ पैसे ऑफिस वाली में भी जमा कराता हो और कुछ पैसे पर्सनल में भी जमा कराता हो दैट इज टोटली हिज प्रेफरेंस तो एक एम्प्लॉयड पर्सन कैन डिपॉजिट मनी इन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम एज वेल एज इन पर्सनल पेंशन स्कीम लेकिन इफ अ पर्सन इज नॉट एम्प्लॉयड या अपना बिजनेस है उसका या फिर वो जॉब नहीं कर रहा वो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में पैसे नहीं जमा करा सकता बिकॉज उसका कोई इम्प्लॉयर ही नहीं है अगर इसका कोई इम्प्लॉयर ही नहीं है तो वो पैसे कैसे जमा कराएगा इम्प्लॉयर कैसे उसकी सैलरी में से पैसे डिडक्ट करेगा इसको सैलरी तो मिल ही नहीं रही है तो ये ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में पैसे जमा नहीं कर सकता ये सिर्फ पर्सनल पेंशन स्कीम में पैसे डिपॉजिट करा सकता है और जो भी पेंशन स्कीम होती है उसमें हम ये देखेंगे कि टैक्स रिलीफ कितना अवेलेबल है मेथड क्या होता है टैक्स रिलीफ लेने का कैलकुलेशन कैसी होगी अलाउंस चार्ज की ये सारी चीजें हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर तो सबसे पहले हमारा आता है टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम्स कि हमने ये तो पढ़ लिया कि रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए उसके टाइप्स क्या हैं तो रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम हमारी दो होती हैं द टू मेन टाइप ऑफ रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम्स आर ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम्स और पर्सनल पेंशन स्कीम्स अब रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम जो है अब स्पेसिफिक टर्म जो है रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम हाउ कैन वी से पेंशन स्कीम इज़ रजिस्टर्ड उसके बारे में तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन योर टैक्स एग्जामिनेशन सो दंडीशन दैट पेंशन स्कीम मस्ट सेटिसफाई टू बी रजिस्टर्ड विद एच एम आर सी कि कौन कौन सी कंडीशन होती है जो सेटिसफाई होनी चाहिए एक स्कीम को जिस्टर होने के लिए दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर टैक्स एग्जामिनेशन ठीक है अब आगे बताया हुआ है कि अगर हम किसी भी रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम में पैसे जमा कराते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारे लिए तो पहला बेनिफिट क्या है ये हमें लर्न कर रहे हैं सो फर्स्ट बेनिफिट इज इंडिविजुअल ऑप्टेन टैक्स रिलीफ ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू स्कीम जब भी कोई इंप्लॉय या इंडिविजुअल पेंशन स्कीम में पैसे डिपॉजिट करता है तो जितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है उसका कुछ उसे बेनिफिट मिलते है दैट मीन उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता ठीक है ना दैट इज टैक्स बेनिफिट मिलता है वेयर अंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट इन टू हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था कि अगर किसी पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से अपनी पॉकेट से एम्प्लॉय के लिए कोई स्कीम में पैसे जमा करते है मतलब एक तो इम्प्लॉय तो अपनी जेब से पैसे जमा करा ही रहे लेकिन अगर कोई इंप्लॉयर भी अपनी पॉकेट से इंप्लॉय के लिए पेंशन स्कीम में पैसे जमा करता है तो वो भी इम्प्लॉय के लिए एक बेनिफिट नहीं माना जाएगा देखा जाए तो इम्प्लॉय के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं ना पेंशन वाले और पैसे कौन जमा करा रहे इम्प्लॉयर सॉरी गाइज मुझे बीच में एक थोड़ा सा अर्जेंट कॉल आ गया था हाँ गाइज तो अब मैंने क्या बताया था कि ये जो हम पेंशन में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो देखा जाए वैसे तो इसके हमें बेनिफिट्स फ्यूचर बेनिफिट्स तो बहुत सारे ऑफकॉर्स हैं ही हैं लेकिन एज़ पर टैक्स प्रोस्पेक्टिव हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इंडिविजुअल को टैक्स जो भी वो पे करता है सॉरी जो वो पेंशन देता है कॉन्ट्रीब्यूशन उस पर उसको टैक्स नहीं लगता टैक्स बेनिफिट मिल जाता है और अगर कोई इम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से एम्प्लॉय के भी हाफ पे पैसे जमा करता है एम्प्लॉय के लिए पैसे उसके अकाउंट में जमा करते हैं पेंशन स्कीम में तो देखा जाए तो ये एक बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए क्योंकि तो इंप्लॉय ने पैसे अर्न थोड़ी किए हैं वो तो इंप्लॉयर जमा करा रहे हैं ठीक है ना तो ये एक तरह से एम्प्लॉय का बेनिफिट होता है बट इट इज़ नॉट टैक्सीबल तीसरा जो भी रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम में फंड्स की वैल्यू बढ़ती है जैसे तुमने वन लाख रुपीस अगर मैं चलो मैं पाउंड्स में बोलता हूँ लेट से तुमने टेन थाउजेंड पाउंड्स हर ईयर अपना इसमें पेंशन स्कीम में डिपॉजिट किया पेंशन स्कीम में क्या होता है ये कई बार शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में दे इन्वेस्ट मनी एंड इसकी वैल्यू धीरे धीरे ग्रो करती रहती है जैसे इस साल तुम्हें एट परसेंट रिटर्न मिल गया अगले साल इस पर टेन परसेंट रिटर्न मिल गया टेन परसेंट से वैल्यू बढ़ गई अगले साल सिक्स परसेंट से वैल्यू बढ़ गई अगले साल एलेवन परसेंट से वैल्यू बढ़ गई तो ऐसे जो भी बेनिफिट हर साल होता है अब देखो तुमने टेन थाउजेंड डाले थे एट परसेंट वैल्यू बढ़ गई दैट मीन्स देखा जाए तो एट हंड्रेड पाउंडस का तुम्हें एक और बेनिफिट मिल गया कि तुमने तो टेन थाउजेंड डाले थे पेंशन फंड में लेकिन उसमें एट हंड्रेड वैल्यू और बढ़ गई तो ये जो वैल्यू बढ़ी है बेनिफिट जो ग्रो हुआ है इस पर भी कोई टैक्स नहीं है दिस इज ऑल्सो एग्जेप और अब मान लो रिटायरमेंट में हर साल तुम टेन थाउजेंड डालते थे अब रिटायरमेंट के टाइम पे तुम्हारे पेंशन फंड में लेट सेरोस लाख नाइन्टी थाउजेंड पाउंड तुम्हारे पेंशन फंड में है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ठीक है तो रिटायरमेंट में विड्रॉ करोगे या तो सारे पैसे मुझे थर्टी थाउजेंड या फिफ्टी मैं ज्यादा बोल गया हर महीने मैं टेन थाउजेंड इसमें से विड्रॉ कर लेता हूँ तो जैसे मैं सैलरी लेता था ऐसे मैं पेंशन फंड से पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ इसमें पैसे थोड़े रहेंगे भी उस पर इंटरेस्ट भी आता रहेगा तो ये जो तुम सैलरी या पेंशन फंड से जो पैसे विड्रॉ करोगे इस पे भी तुम्हारा कोई टैक्स नहीं है ऑन रिटायरमेंट सम फंड्स कैन बी विड्रॉन एज अ टैक्स फ्री लमसम अमाउंट के सारा का सारा अमाउंट तुम्हें एक बार में विड्रॉ कर सकते हो जिसमें तुम्हारे को कोई भी टैक्स नहीं पे करना सो दीज आर बेनिफिट्स ऑफ पेंशन स्कीम और ये हम हमको तो पता था ऑफकोर्स अब यहां पे क्या चीज लिखा हुआ है कि इंप्लॉयड जो इंडिविजुअल होता है ये मैं तुम्हें ऑलरेडी चार्ट से बता चुका हूं एम्प्लॉयड इंडिविजुअल मे ज्वाइन एन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम प्रोवाइड बाई एम्प्लॉयर चूज नॉट टू जॉइन एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम एंड सेटअप अ पर्सनल पेंशन स्कीम या फिर चूज कॉन्ट्रीब्यूट इन बोथ इंप्लॉयर ऑक्यूपेशनल स्कीम और पर्सनल पेंशन स्कीम दोनों में पैसे जमा करा सकता है या करा सकती है अब आता है ऑटोमेटिक एनरोलमेंट इन एन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम सो ये एक बार पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है देर इज़ अ लीगल ड्यूटी ऑफ इम्प्लॉयर टू प्रोवाइड अ पेंशन स्कीम टू मेजोरिटी ऑफ इम्प्लॉयज़ अंडर ऑटोमेटिक इन्वॉलमेंट ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है इट इज़ अ लीगल ड्यूटी ऑफ ऑल द इम्प्लॉयर्स कि तुम्हें अपने इम्प्लॉय के लिए कोई पेंशन स्कीम यानी ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम ओपन करनी है इफ इम्प्लॉयर ऑलरेडी ऑपरेट इज ओन बेटर पेंशन स्कीम इट कैन बी यूज इन स्टेड कि या तो तुम जो गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है उसमें पैसे जमा कर दो अपनी गवर्नमेंट से टाइप कर लो एच एम आर सी से टाइप कर लो एच एम आर सी से टाइप करके तुम जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो पेंशन है वो यहाँ पे जमा करवा दो एम्प्लॉयज़ के थ्रू या फिर अगर तुमने कोई अपनी पेंशन स्कीम खोली हुई है तुमने एम्प्लॉय से बात नहीं करी तुमने अपना ही अपने बिजनेस के अंदर ही एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है जिसके अंदर एम्प्लॉय का सारा पेंशन का पैसा जाता है अगर तुम अपनी जेब से जमा करते हो एम्प्लॉय के लिए वो भी यहाँ पर जाता है और रिटायरमेंट के टाइम पर इसी में से एम्प्लॉय को यहां से पैसे चले जाते हैं यह होता अकाउंट जो है वो एम्प्लॉयर का होता है ठीक है तो ये भी वो कर सकता है कि इफ एम्प्लॉयर ऑलरेडी ऑपरेट्स इज ओन बेटर पेंशन स्कीम इट कैन बी यूज इन सेड द स्कीम यूज कैन बी एन ऑक्यूपेशनल और अ पर्सनल पेंशन स्कीम ऑक्यूपेशनल या तो कि वो चाहे ऑक्यूपेशनल में जमा कर सकते हैं एच के थ्रू या फिर कंपनी अपनी पर्सनल पेंशन स्कीम भी स्टार्ट कर सकती है देर इज अ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फॉर बोथ ऑफ द इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऑल दो द इम्प्लॉय कैन चूज टू ऑप आउट ऑफ दिस स्कीम कि अगर कोई इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इतना तो मिनिमम आपको पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करना ही है कर जब इंप्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करना है और अगर इंप्लॉयर इम्प्लॉय के बिहाफ पर कर रहा है तो मिनिमम आपको इतना कॉन्ट्रीब्यूशन करना है कितना है वो भी हमें नहीं पता वो हम आगे पढ़ेंगे ठीक है लेकिन अगर इम्प्लॉय चाहे तो वो पेंशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि मुझे अपने ऑफिस की पेंशन स्कीम वाली नहीं यूज़ करनी मुझे अपनी अलग से पर्सनल पेंशन स्कीम में पैसे जमा करने हैं वो मुझे पता है कौन से गवर्नमेंट वाली मुझे पता है मैं वहां जमा कर दूंगा मैं ऑफिस में नहीं पैसे जमा करना चाहता दैट इज़ हिज चॉइस उस केस में ऑफकोर्स ये वाला लाइन ही खत्म हो जाएगी क्योंकि जब उसने ऑप्ट आउट ही कर लिया तो क्या मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन अब आता है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम्स ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम इज़ अगर कोई इंप्लॉयर सेटअप करता है कोई भी स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द इम्प्लॉयज एम्प्लॉयर में यूज एन इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड एंड रन अ पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज और मे सेटअप इट्स ओन सेल्फ एडमिनिस्टर्ड पेंशन फंड जैसे मैंने ऊपर बताया था कि या तो वो किसी बाहर वाली कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी से बात कर ले कि ये इंश्योरेंस कंपनी जैसे इंडिया में एल आई सी है तो ऐसी इंप्लॉयर ने एल आई सी से बात कर ली लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से कि हम अपने इंप्लॉयी का जितना भी पेंशन का फंड है वो आपके पास जमा करते रहेंगे एम्प्लॉय के बिहाफ पे रिटायरमेंट होगी तो इम्प्लॉय आपसे पैसे ले सकता है तो या तो किसी आउटसाइडर से बात कर लो उसके अकाउंट में जमा कर दो और वो बाद में इंप्लॉयी को पैसे दे देगा या फिर इम्प्लॉयर अपना खुद का पेंशन फंड स्टार्ट कर सकता है अपना ही अकाउंट कि जब इम्प्लॉय रिटायर होगा तो जो उसका अपना अकाउंट है उसमें से वो एम्प्लॉय को पैसे दे देगा कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम मे बी मेड बोथ बाय एम्प्लॉयर एंड इम्प्लॉय ये मैंने बताया था कि या तो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है वो अपने सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके पेंशन स्कीम में जमा कर देगा या फिर इंप्लॉयर बोलेगा कि भाई देख मैं भी चाहता हूँ कि मेरे इंप्लॉय की लाइफ अच्छी रहे तो मैं अपनी जेब से इम्प्लॉयर के लिए कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ पेंशन फंड में इंप्लॉय के लिए है इंप्लॉय को मिलेंगे इंप्लॉयर का कोई बेनिफिट नहीं है इसमें तो ये एक तरह से इंप्लॉय का बेनिफिट हो जाएगा कि उसको एक मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा है जो बाद में यूज कर सकता है वो अब आता है टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम्स के टाइप्स कौन कौन से होती है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम की पहला होती है डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम The बेनिफिट obtained ऑन एंड आफ्टर रिटायरमेंट आर लिंक टू लेवल ऑफ अर्निंग ऑफ द इम्प्लॉय ड्यूरिंग द इम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो भी पेंशन स्कीम से उसको पैसे मिलेंगे वो उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे जितनी वो अर्निंग अपनी एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे अर्न करता था अगर वो ज़्यादा पैसे अर्न करता था दैट मीन उसके खर्चे भी उतने ज़्यादा होते थे तो पेंशन फंड से उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसको और अगर वो पेंशन स्कीम में कम पैसे सॉरी कम सैलरी अर्न करता था तो पेंशन स्कीम से उसको कम पैसे मिलेंगे एक आता है मनी परचेज स्कीम और डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम द बेनिफिट ऑफटेन ऑन एंड आफ्टर द रिटायरमेंट डिपेंड्स अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द पेंशन फंड इसका मतलब क्या है कि इसमें जितना जितना हम पेंशन फंड में पैसे डालेंगे उस पेंशन फंड में उसकी ग्रोथ होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय को इसमें था डिफाइंड बेनिफिट स्कीम इसमें देखा जाए तो एक तरह से जो मुझे समझ आ रहा है कि इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता इसमें क्या है जितनी जितनी इंप्लॉय की सैलरी बढ़ती रहेगी उतना उतना वो पैसा ज्यादा जमा कराता रहेगा और उतना पैसा जमा कराता रहेगा उतना उसको बेनिफिट मिलता रहेगा ठीक है और इस केस में जितने भी उसने पैसे जमा कराए हैं मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट्स में कितना रिटर्न आ रहा है उस बेसिस पे उसको बेनिफिट मिलेगा तो ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है बस पता होना चाहिए डिफाइंड बेनिफिट स्कीम एंड डिफाइंड मनी परचेज स्कीम अब आता है पर्सनल पेंशन स्कीम जैसा मैंने बताया था तुम्हें कि चैप्टर थ्योरी का ज़्यादा है तो थ्योरी ही करनी है इसमें हमें मोस्टली तो पर्सनल पेंशन स्कीम कौन सी स्कीम होती है कि जब कोई भी पर्सन चाहे वो एम्प्लॉयड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे वो काम ना कर रहा हो वो जब भी चाहे वो पर्सनल पेंशन स्कीम में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकता है फ्यूचर के लिए दिस इज़ नॉट एन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम ये इंप्लॉयी ने इम्प्लॉयर ने नहीं शुरू किया हुआ कंपनी ने नहीं शुरू किया हुआ ये मार्केट में एक स्कीम्स होती हैं कि कोई भी पर्सन इसमें पैसे जमा कर सकता है अब आता है कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू पर्सनल पेंशन स्कीम मे बी मेड बाय इंडिविजुअल या तो वो इंडिविजुअल खुद अपनी पॉकेट से जमा कराए या फिर एनी थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर पाउस पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तो इस पर्सनल पेंशन स्कीम में या तो इंप्लॉयर अपनी जेब से इंप्लॉय अपनी जेब से पैसे जमा कराए या जो पर्सन है इंडिविजुअल चाहे वो अपना बिजनेस कर रहा है वो अपनी जेब से पैसे जमा कराए या उसके बिहाफ पे उसका फैमिली मेम्बर क्योंकि अगर वो कुछ पैसे अर्न नहीं कर रहा जैसे छोटा बच्चा है उसकी भी पेंशन स्कीम हमने स्टार्ट कर दी कि चलो ठीक है भाई बच्चा बड़ा भी तो होगा उसकी भी तो रिटायरमेंट की जाएगी तो उसकी हमने पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दी और बच्चा जो है वो अभी कोई पैसे अर्न नहीं कर रहा तो उस बच्चे का पेंशन स्कीम में पैसे कौन डालेंगे उसके पेरेंट्स तो अगर पेरेंट्स भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको भी हम एक तरह से बेनिफिट मानेंगे सो द पर्सनल पेंशन स्कीम आर यूजली मनी परचेज स्कीम एंड एडमिनिस्टर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल कि ये जो पर्सनल पेंशन स्कीम है इम्प्लॉयर की तो है नहीं ऑक्यूपेशनल स्कीम तो है नहीं ये पर्सनल पेंशन स्कीम है लाइक इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइडर्स तो वो इंडिविजुअल का पैसा लेके उसको इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगहों पर ताकि इंडिविजुअल को रिटायरमेंट के बाद उस पैसे पर अच्छा रिटर्न मिले अब आता है ओवरव्यू ऑफ टैक्स रिलीफ रूल्स फॉर रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के टैक्स रिलीफ रूल्स क्या हैं पहला द अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ अवेलेबल फॉर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इज द सेम एज रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्कीम इज़ एन ऑक्यूपेशनल और पर्सनल पेंशन स्कीम चाहे वो पैसा ऑक्यूपेशनल में पैसे जमा कराए चाहे पर्सनल में तो जो अमाउंट का जो टैक्स रिलीफ है वो दोनों में सेम ही मिलेगा ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपेशनल में अलग तरीके से होगा पर्सनल में अलग तरीके से तो टैक्स रिलीफ दोनों में सेम मिलेगा the method of obtaining tax relief is different depending upon the type of the scheme method different है जैसे jaise for example, मैंने maine 10000 यहाँ जमा कराए टेन थाउजेंड occupational में टेन थाउजेंड पर्सनल में तो रिलीफ तो मुझे टेन टेन थाउजेंड पे मिलेगा तो रिलीफ तो मुझे टेन टेन थाउजेंड पे मिलेगा अब कितना रिलीफ मिलेगा टेन थाउजेंड पे वो उसको निकालने का फॉर्मूला अलग है जैसे कई बार क्या होता है कि इस पेंशन स्कीम के अंदर आप फिफ्टी परसेंट पे रिलीफ मिलेगा दूसरी पेंशन स्कीम में हंड्रेड परसेंट ऐसा कुछ नहीं है पूरे पूरे अमाउंट पे हमें रिलीफ मिलेगा कितना <coughs> टैक्स रिलीफ मिलेगा वो हम आगे देखेंगे वंस फंड्स आर इन्वेस्टेड इन अ रजिस्टर्ड स्कीम ऑल रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम आर गवर्न बाय द सेम रूल्स सारे रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम एक ही तरह से गवर्न करती हैं ये अभी हमें पढ़ने की ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है अब आता है प्रैक्टिकल पार्ट यानी कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट योर टैक्स कि कितना हमें टैक्स या टैक्स रिलीफ मिलने वाला है सो द रिलीफ इज अवेलेबल फॉर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इफ बोथ पेंशन स्कीम इज अ रजिस्टर्ड स्कीम एन इंडिविजुअल इज अजिस्टर्ड रेजिडेंट इन द दूके एजेड अंडर सेवेंटी फाइव की एक तो रजिस्टर्ड स्कीम होनी चाहिए और वो इंडिविजुअल यूके का रेजिडेंट होना चाहिए और उसकी एज सेवेंटी फाइव से कम होनी चाहिए अगर वह यूके का रेजिडेंट नहीं है तो उसको इस पेंशन स्कीम पर रिलीफ नहीं मिलने वाला रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ अर्निंग एन इंडिविजुअल मे मेक पेंशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट टू ईदर पेंशन स्कीम और नंबर ऑफ डिफरेंट पेंशन स्कीम मतलब डिपेंड नहीं करता कि किसी बंदे की कितनी इनकम है वो जितना मर्जी चाहे पैसा पेंशन स्कीम में एक ही पेंशन स्कीम में डाल सकते हैं या अलग अलग पेंशन स्कीम में थोड़ा थोड़ा पैसा करके डाल सकते हैं कि इस पेंशन स्कीम में रिटर्न ज़्यादा है इसमें कम है ये सेफ है या अनसेफ है तो वो उसके ऊपर है हावएर टैक्स रिलीफ इज ओनली अवेलेबल फॉर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ एनुअल अमाउंट ईच ईयर के जो टैक्स रिलीफ है वो मैक्सिम कितना मिलेगा पहला इन दोनों में से लोअर ऑफ जितना उसने टोटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है ध्यान से सुनना जितना उसने मैं इसको दो पार्ट में बांध देता हूँ एक तो टोटल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कि जितना उसने टोटल पेंशन में कंट्रीब्यूट किया है या तो उतना रिलीफ मिलेगा या फिर थर्टी सिक्स हंड्रेड और यह भी दो पार्ट में डिवाइड होता है थर्टी सिक्स हंड्रेड और टोटल टैक्सेबल इनकम इन दोनों में से विचेवर इज हायर ध्यान से सुनना गाइस इन दोनों में से विचेवर इज हायर और इन दोनों में से विचेवर इज लोअर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले जितना भी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इम्प्लॉय ने कराया हम देखेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे इम्प्लॉयर की इम्प्लॉय की सैलरी कितनी है जो इनकम उसकी है टोटल टैक्सेबल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन सब कुछ कितनी है तो उस इनकम को हम 36 सिक्स से थर्टी सिक्स से कंपेयर करेंगे लेट्स से दी इनकम इज 7000 तो हमारी ये जो फिगर आ जाएगी ये आ जाएगी से का टैक्सेबल इनकम ही उसकी इज़ हायर तो, तो यहाँ आ जाएगा थर्टी सिक्स हमें थर्टी सिक्स हंड्रेड और सैलरी विच एवर इज हायर वो देखना है देन हमने इसको कंपेयर करना है टोटल उसने पेंशन में कितने पैसे जमा कराए और उसमें से जो कम है इतना, इतना उसको टैक्स रिलीफ मिलेगा जैसे एम्प्लॉई ने यहाँ पे थर्टी सिक्स हंड्रेड आ रहा था और एम्प्लॉई ने टोटल टू थाउजेंड पेंशन फंड में जमा कराया तो टू थाउजेंड उसने पेंशन फंड में जमा कराए टोटल उसका जो तो बेनिफिट आ रहा था थर्टी सिक्स हंड्रेड यहाँ से आ रहा था तो टू थाउजेंड और थर्टी सिक्स हंड्रेड विच एवरेज लोअर तो उसको टू थाउजेंड का बेनिफिट मिलेगा मतलब उसने अपनी जेब से टू थाउजेंड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूट कराया है तो इससे ज़्यादा बेनिफिट तो हो ही नहीं सकता अगर मैं पेंशन में लेट से मैं एक बात बताऊँ देखो मैंने पेंशन में करे टेन थाउजेंड जमा तो इससे ज्यादा का तो बेनिफिट मुझे कभी मिलेगा ही नहीं है ना पेंशन में मैंने टेन थाउजेंड जमा किए हैं तो इससे ज्यादा का मुझे बेनिफिट मिलेगा ही नहीं अब कई बार हो सकता है इससे कम का मुझे बेनिफिट मिले कब जब मेरा वो जो कम वाली फिगर है या तो थर्टी सिक्स हंड्रेड या फिर टोटल टैक्सेबल इनकम इसमें से विच एवर इज हायर तो सबसे पहले हम थर्टी सिक्स हंड्रेड और टोटल टैक्सेबल इनकम विच एवर इज हायर वो देखेंगे देन वी विल कंपेयर इट विद दी टोटल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमने करा है ठीक है इसका एक क्वेश्चन करते हैं अब यहां पे देखो एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्टी सिक्स हंड्रेड कि अगर किसी इंडिविजुअल की कोई भी अर्निंग नहीं है वो तब भी थर्टी सिक्स हंड्रेड का बेनिफिट ले सकता है कैसे सोचो so, मैंने पेंशन फंड में जमा किए फाइव थाउजेंड ठीक है कोई इनकम नहीं है मेरी मैंने पेंशन फंड में जमा किया फाइव थाउजेंड तो दो पार्ट या तो थर्टी सिक्स हंड्रेड या मेरी सैलरी सैलरी तो मेरी जीरो है क्योंकि मेरी कोई इनकम ही नहीं है रेलिवेंट इनकम भी नहीं है टैक्सेबल इनकम तो विच एवर इज हायर दैट मीनस थर्टी सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड और फाइव थाउजेंड विच एवर इज लोअर तो थर्टी सिक्स हंड्रेड का मुझे टैक्स रिलीफ मिल जाएगा अब तुम सोचोगे कि सर अगर किसी पर्सन की इनकम ही नहीं है उसकी इनकम ही जीरो है तो रिलीफ माइनस कैसे करेंगे इसमें रिलीफ माइनस करेंगे तो वो भी नेट फिगर जीरो ही आ जाएगी तो क्या फायदा हुआ इस रिलीफ का इस रिलीफ का फायदा ये है कि अगर हमारा थर्टी सिक्स हंड्रेड रिलीफ आ रहा है तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि इस रिलीफ को हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सके। कि नेक्स्ट ईयर जो मेरी टोटल इनकम होगी मैं उसमें से इस रिलीफ को एडजस्ट कर सकता हूँ इसको माइनस कर सकता हूँ तो ये रिलीफ मेरा खत्म नहीं होगा चाहे मेरी इनकम जीरो है कभी ना कभी तो कमाना शुरू करूंगा ना मैं तो पुराना जितना भी रिलीफ मेरा इकट्ठा हो चुका है उसको मैं बेनिफिट उसका ले सकता हूं अब तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं जहां से तुम्हें चीजें और ज्यादा अच्छे समझ आएंगी सो so, देखो इसमें हमें बताना है द फॉलोइंग इंडिविजुअल मेड ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ पेंशन स्कीम फॉर द दस ट्वेंटी टू पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है रेलिवेंट अर्निंग इतनी है एक्सप्लेन दैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर विच टैक्स रिलीफ इज अवेलेबल ठीक है अब देखो हमें इन सबको कंपेयर करना है थर्टी सिक्स हंड्रेड से तो मैं ऐसे कर लेता हूं थर्टी सिक्स हंड्रेड रेलिवेंट अर्निंग को जितनी भी रेलिवेंट अर्निंग मतलब टैक्सेबल इनकम जिसपे मेरा टैक्स लगना है उसको मैं कंपेयर करूंगा थर्टी सिक्स हंड्रेड से अब देखो विच एवर इज हायर तो यहां पर थर्टी सिक्स हंड्रेड हायर है तो थर्टी सिक्स हंड्रेड विच एवर इज हायर थर्टी सिक्स हंड्रेड विच एवर इज हायर सेवेंटी फाइव थाउजेंड विच एवर इज हायर थर्टी एट थाउजेंड तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया ये ख़त्म हो गया इधर ये ख़त्म हो गया इधर ये ख़त्म हो गया तो जो मैं कैलकुलेशन के लिए देखूँगा तो कॉन्ट इसमें मेरा रेलिवेंट अर्निंग और थर्टी सिक्स हंड्रेड विच एवर इज़ हायर तो मैं थर्टी सिक्स हंड्रेड यूज़ करूँगा अब थर्टी सिक्स हंड्रेड और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड विच एवर इज़ लोअर तो लोअर इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यहाँ मुझे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का बेनिफिट मिलेगा सिक्स थाउजेंड और थर्टी सिक्स हंड्रेड विच एवर इज लोअर थर्टी सिक्स हंड्रेड इज लोअर तो यहाँ मुझे थर्टी सिक्स हंड्रेड का बेनिफिट मिलेगा थर्टी सिक्स थाउजेंड और सेवेंटी फाइव थाउजेंड विच एवर इज लोअर थर्टी सिक्स थाउजेंड इज लोअर फोटी फाइव थाउजेंड कम्पेयर विदर्टी एट थाउजेंड विच एवर इज लोअर थर्टी एट थाउजेंड तो थर्टी एट थाउजेंड तो दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट माई आंसर सबसे पहले मुझे रेलिवेंट अर्निंग को

चलो ये समरी में नहीं करा रहा समरी हमें समझ आ चुकी है हम समरी देख चुके हैं अब यहां पे बस एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारी रेलिवेंट अर्निंग होती है रेलिवेंट अर्निंग यानी टैक्सेबल इनकम इट इंक्लूड्स टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट एम्प्लॉयमेंट इनकम एफ इनकम बट डज नॉट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम के इन्वेस्टमेंट इनकम हम इंक्लूड नहीं करते अपनी रेलिवेंट अर्निंग निकालने के लिए कि अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है उससे हमें कोई रिटर्न आ रही है रेंटल इनकम एंड ऑल उसको हम टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं करते ठीक है अब देखो देखोगा हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अमाउंट ऑन विच टैक्स रिलीफ कैन बी टेकन कि किस अमाउंट पे हम टैक्स रिलीफ ले सकते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी जो मैंने कराया था कि यहाँ पे हमें इस अमाउंट पे टैक्स रिलीफ मिलेगा इस अमाउंट पे टैक्स रिलीफ मिलेगा इस अमाउंट पे टैक्स रिलीफ मिलेगा इस अमाउंट पे टैक्स रिलीफ अब लॉजिक ये थोड़ी है कि अगर मैं ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन करूँगा या इतना मुझे बेनिफिट मिलेगा तो पूरा का पूरा टैक्स मेरा इतने वैल्यू से कम हो जाएगा टैक्स नहीं कम होगा इतने से नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सिर्फ अमाउंट है जिसके ऊपर मुझे टैक्स रिलीफ मिलेगा ये हमने पढ़ा था कि चाहे ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम हो चाहे पर्सनल पेंशन स्कीम हो दोनों केस में अमाउंट निकालने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली सेम है कि किस अमाउंट के ऊपर ध्यान से सुनना किस अमाउंट के ऊपर टैक्स रिलीफ मिलेगा वो निकालने का तरीका हमारा दोनों स्कीम में सेम था अब आता है मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग टैक्स रिलीफ फॉर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं बच्चों को ये पहले बहुत बच्चे मेरे को कुछ बच्चों ने मुझे जब ये चैप्टर मैंने उनसे पूछा था कि इस चैप्टर में क्या क्या है कैसे है मैं हमेशा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो तीन बच्चों से एक रेफरेंस लेता हूँ तो वो ये कहते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया कि ये जो है ये निकालना तरीका ये किस चीज़ का है और फिर इन्होंने बताया हुआ कि टैक्स निकालने का तरीका पेंशन में दोनों पेंशन स्कीम में अलग अलग है तो अब मैंने जब इसको पढ़ा तब मुझे क्लियर हुआ कि हमने जो ऊपर निकाला था दैट इज जस्ट अमाउंट के किसके ऊपर हमें टैक्स मिलेगा अब कितना टैक्स मिलेगा ट्वेंटी परसेंट रिलीफ मिलेगा थर्टी परसेंट रिलीफ मिलेगा वो निकालने का तरीका दोनों स्कीम्स में अलग अलग है ठीक है तो सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल पेंशन स्कीम तो द मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग टैक्स रिलीफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू पर्सनल पेंशन स्कीम इज द सेम वेदर दे आर मेड बाय एन एम्प्लॉई सेल्फ एम्प्लॉयड और इंडिविजुअल हु इज नॉट वर्किंग चाहे एम्प्लॉय कर रहा है चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा है चाहे कोई इंडिविजुअल जो जॉब नहीं कर रहा तीनों केस में टैक्स कितना बेनिफिट मिलेगा निकालने का तरीका सेम है रिलीफ कैसे दिया जाता है गायज मैं एक बात तुम्हें बताऊं इतना कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है ठीक है इतना कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है एक काम करते हैं मैं तुम्हें एक लाइन बोलता हूं दिस इज सेम एज डोनेशन दिस इज सेम एज डोनेशन कि डोनेशन के केस में हमें बेनिफिट कैसे मिलता था कि जो भी डोनेशन हम करते थे उसको इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई एटी करके हम एक फिगर निकालते थे इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई एटी करके हम एक फिगर निकालते थे है ना और वो फिगर निकालने के बाद हम क्या करते थे कि जो भी हमारे स्लैब रेट थे उन स्लैब रेट्स में हम ये वाली फिगर ऐड कर देते थे यही होता था डोनेशन सबको याद है कि डोनेशन में सबसे पहले हम ये देखते थे कि जितना अमाउंट हमने हमने लेट से एट थाउजेंड जमा किया है पेंशन स्कीम में तो ट्वेंटी परसेंट एच एमआरसी उसमें जमा करेगी पेंशन स्कीम में हमारे बिहाफ पे दैट मींस टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया एट थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई एटी तो टेन थाउजेंड इज टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमारा जो पहला स्लैब है थ्री सेवन सेवन डबल जीरो वो थ्री सेवन सेवन डबल ज़ीरो से बढ़ के फोर सेवन सेवन डबल ज़ीरो हो जाएगा नेक्स्ट लैब जो हमारा है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड वो वन लाख फिफ्टी से बढ़ के वन लाख सिक्सटी हो जाएगा तो ये दो बेनिफिट हमें मिलते थे पहला बेनिफिट कि ट्वेंटी परसेंट जो भी हम पेंशन पर्सनल पेंशन में जमा करते हैं ये वो वाला नहीं है ऑक्यूपेशनल नहीं है एम्प्लॉयर वाला नहीं है ये पर्सनल पेंशन स्कीम है जिसमें हम पैसे जमा कर रहे हैं तो ट्वेंटी परसेंट गवर्नमेंट उसमें जमा करती है पैसे तो हमें एक ट्वेंटी तो परसेंट का वो बेनिफिट मिल गया और दूसरा हमारा जो स्लैब ऑन सोर्स रिलीफ मिल जाता है ठीक है और बाकी का हमारे को जैसा हमने चैप्टर नंबर टू में पढ़ा था डोनेशन का बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम करता हूँ इट वुड बी बेटर मैं तुम्हारे को सीधा इसकी कराता हूँ वहाँ से तुम्हें समझ आएगा कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो ये तो हमारे को बिल्कुल वैसा हो गया जैसा हमने पढ़ा था है हाँ ना चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले से तो यहां पे पेंशन कंट्रीब्यूशन है फाइव थाउजेंड ओके और इसके ट्रेडिंग प्रॉफिट है इतने तो ट्रेडिंग प्रॉफिट और थर्टी सिक्स हंड्रेड विच एवर इज लोअर तो दैट मीन्स हमें थर्टी सिक्स हंड्रेड अमाउंट पे बेनिफिट मिलेगा हमें थर्टी सिक्स हंड्रेड अमाउंट पे बेनिफिट मिलेगा ठीक है ना अब यहां पे गाइस एक छोटा सा चेंज है एज पर आ, आ, मैं तुम्हें बताया हूं सॉरी गाइज एक सेकेंड गाइज तो ओ देखो मैं इसमें इन्होंने थ्योरी में बहुत कंफ्यूज किया हुआ है इन्होंने प्रैक्टिकली जो बताया हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं इन्होंने बोला हुआ है बेसिक रेट रिलीफ ऑफ ट्वेंटी परसेंट इज गिवन एट सोर्स किस पे ऑन अमाउंट ये कॉपी में लिख लेना ये इंपॉर्टेंट है इन्होंने यहां पे ये चीज क्लियर नहीं करी हुई ठीक है <coughs> क्या क्या बेसिक रिलीफ ऑफ ट्वेंटी परसेंट इज गिवन एट सोर्स ऑन अमाउंट ऑफ अमाउंट सॉरी ऑन अमाउंट ऑन विच टैक्स रिलीफ इज प्रोवाइडेड के जो अमाउंट जितना हमें टैक्स रिलीफ मिलता है जो अमाउंट होता है जिसके ऊपर टैक्स रिलीफ मिलता है उसका ट्वेंटी परसेंट जो है वो हमारे को बेसिक रिलीफ मिलेगा और हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे अमाउंट टू बी पेड इन टू पेंशन अमाउंट टू बी पेड इन टू पेंशन पेंशन में हम अपनी जेब से कितने पैसे जमा कराएंगे हम जमा कराएंगे ग्रॉस अमाउंट ग्रॉस अमाउंट मतलब के इतना हमें जमा कराना था माइनस ट्वेंटी परसेंट ऑफ ये हटाने के बाद जितना अमाउंट हमें जमा कराना था नॉर्मली तो जितना अमाउंट हम जमा कराते हैं उसका ही ट्वेंटी परसेंट होता है बट यहाँ पे अभी तुम छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो जितना अमाउंट हमें जमा कराना था और ट्वेंटी परसेंट उस अमाउंट का जिसका हमें रिलीफ मिलना था वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे और जो नेट फिगर आएगी वो हम पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उतना पैसा देंगे तो देना था हमें बेनिफिट कितने का मिल रहा है इतने का लेकिन हमें देने पड़ रहे हैं इतने पैसे तो दिस इज लाइक अ टैक्स बेनिफिट दैट दैट्स रिलीफ दैट वी आर गेटिंग कि हमें जो अमाउंट जमा करना था ग्रॉस अमाउंट इतना करना था लेकिन इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम एक्चुअली इतना जमा करेंगे और बेनिफिट हमें पूरे का मिलेगा तो अब ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चन से दिखाता हूं देखो सबसे पहले क्या है कि पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है फाइव थाउजेंड और यहां पे जीरो और थर्टी सिक्स हंड्रेड विच एवर इज हायर तो थर्टी सिक्स तो इस अमाउंट पे हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा यही हमने देखा था इस अमाउंट पे टैक्स बेनिफिट तो टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा मैं काम करता हूं एल राइट हेयर तो अमाउंट ऑफ बेनिफिट थर्टी सिक्स हंड्रेड का हमें बेनिफिट मिलेगा ठीक है ना तो टैक्स बेनिफिट कितना होगा टैक्स बेनिफिट विल बी इसका ट्वेंटी परसेंट तो थर्टी सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेंटी परसेंट दैट मीन्स हमें सेवन ट्वेंटी का बेनिफिट मिलेगा या मैं इसको ऐसे कर देता हूं ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस तो थर्टी सिक्स हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट इतना मुझे बेनिफिट मिलेगा देयर फोर अमाउंट ऑफ पेंशन टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड हमें एक्चुअली पेंशन में कितने पैसे जमा करने हैं टोटल ग्रॉस अमाउंट मतलब अगर फाइव थाउजेंड मुझे जमा करने थे तो रिलीफ़ के बाद सेवन ट्वेंटी रिलीफ जो मुझे मिला है दैट मीन्स मैं एक्चुअली जो जमा करूँगा पेंशन स्कीम में वो करूँगा फोर टू एट ज़ीरो तो पेंशन फ़ंड में मेरे जाएंगे पैसे फ़ोर टू एट जीरो अपनी पॉकेट से लेकिन मुझे जो पेंशन फ़ंड में बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा फाइव थाउजेंड तो ये मेरा एक तरह से हो गया टैक्स रिलीफ तो ये मेरा एक तरह से हो गया टैक्स रिलीफ कि पैसे कम देने पड़ रहे हैं और मुझे बेनिफिट ज़्यादा का मिल रहा है और दूसरा बेनिफिट तो हमने पढ़ा ही है कि जो हमारा टोटल बेनिफिट है उतने से स्लैब रेट भी बढ़ जाएगा पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन फाइव थाउजेंड है तो फाइव थाउजेंड से स्लैब रेट भी हमारे बढ़ते चले जाएंगे ठीक है ना फाइव थाउजेंड से हमारे स्लैब रेट भी बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे हमें कैलकुलेशन टैक्स की इतनी ज्यादा अभी नहीं करनी अभी आगे और चीज़ें देखते हैं नेक्स्ट पार्ट फाइव थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड ऑफ कॉर्स ये सारे केसेस थर्टी सिक्स हंड्रेड से ज्यादा ही हैं तो हम ये लेंगे दिस एंड दिस Is lower, is lower, तो फाइव थाउजेंड इज़ लोअर तो हमें बेनिफिट कितना मिलेगा फाइव थाउजेंड तो फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी इज़ वन थाउजेंड तो हमें पेंशन कॉन्ट्री पेंशन के अंदर एक्चुअली कितने पैसे जमा कर रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि लेवल पर आ जाए हमें पेंशन में कितने पैसे टोटल जमा करने हैं कि फाइव थाउजेंड हमें जमा करने थे माइनस वन थाउजेंड तो हमें बेनिफिट मिल रहा है तो एक्चुअली मैं फोर थाउजेंड पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करूंगा और बेनिफिट मुझे फाइव थाउजेंड का मिलेगा तो दिस इज अ टैक्स बेनिफिट टैक्स रिलीफ दैट आई एम गेटिंग अब आता है पार्ट कैंडी का कैंडी का भी देखते हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच एवर इज लोअर तो यहाँ पे ट्वेंटी इज लोअर तो ट्वेंटी तो ट्वेंटी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट इज फोर थाउजेंड तो मुझे पेंशन फंड में टोटल जमा कराने थे अगर टोटल बेनिफिट मुझे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का लेना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का तो मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है फोर थाउजेंड का तो पेंशन फंड में मैं जमा कराऊंगा ट्वेंटी वन थाउजेंड ठीक है ट्वेंटी वन थाउजेंड भी मैं पेंशन फंड में जमा कराऊंगा और मुझे कोई भी हायर रेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा क्योंकि थर्टी सिक्स थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड से ऊपर पहुँचे नहीं है अभी अभी वो बात बाद में करेंगे चलो ठीक है अब आता है बात डॉन की अब डॉन के केस में क्या होगा गायस यहां देखना डॉन के केस में क्या होगा डॉन के केस में हमारा <coughs> ओ ओ ओ ओ ओ सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा तो दोनों में विच एवर इज हायर ओ सॉरी विच एवर इज लोअर तो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन फोर्टी थाउजेंड लोअर है तो फोर्टी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट दैट इज एट थाउजेंड का बेनिफिट तो दैट मीन्स मुझे पेंशन फंड में कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे फोर्टी थाउजेंड मैंने सोचा था लेकिन मुझे एट थाउजेंड का एक बेनिफिट मिल गया दैट मीन्स पेंशन फंड में मैं एक्चुअली थर्टी टू थाउजेंड जमा कराऊंगा क्या बोला मैंने कि पेंशन फंड में मैं एक्चुअली थर्टी टू थाउजेंड जमा कराऊंगा अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ इस केस में डॉन के केस में टैक्स लाइबिलिटी भी निकालो कि सर आप डॉन के केस में टैक्स लाइबिलिटी भी निकालो तो ओके डॉन के केस में टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं तो डॉन की टोटल इनकम कितनी थी 95,000 इसमें से माइनस कर लेते हैं पर्सनल तो 95,000 फाइव थाउजेंड माइनस वन टू फाइव सेवन जीरो इट इज एट टू फोर थ्री जीरो अब एट टू फोर थ्री जीरो इसकी आ रही टैक्सेबल इनकम अब देखो हमने टोटल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है हमारा फोर्टी थाउजेंड हमने पेंशन में जमा कराए हैं थर्टी टू थाउजेंड पैसे जो पॉकेट से निकले हैं वो थर्टी टू निकले हैं लेकिन टोटल बेनिफिट हमें कितने का मिलेगा फोर्टी का ये मैंने बताया ना अभी कि हमें बेनिफिट लेना है फोर्टी का जमा कितने करना है थर्टी टू थाउजेंड तो फोर्टी का क्योंकि ये सारा लिखा हुआ है ग्रॉस अमाउंट दिस इज ग्रॉस अगर ये नेट लिखा होता गाइस ध्यान से सुनना अगर ये नेट लिखा होता तो मैं इसको इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई एटी करता अगर ये नेट लिखा होता तो मैं इसको इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई एटी करता ठीक है अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना तो नाइनटी फाइव थाउजेंड माइनस वन टू फाइव सेवन जीरो एट टू फोर थ्री जीरो इतना मेरा आ गया टैक्स टैक्सेबल इनकम अब पहला स्लैब जीरो टू थ्री सेवन सेवन डबल जीरो का होता है लेकिन मैंने पेंशन में कितना जमा कराया फोर्टी थाउजेंड तो यहां पर फोर्टी थाउजेंड एड हो जाएंगे तो पहला मेरा स्लैब हो जाएगा जीरो टू सेवन 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 डबल जीरो तो इनकम है एट टू फोर थ्री जीरो तो दैट मीन्स सेवन 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 डबल ज़ीरो पे मेरा लगेगा ट्वेंटी परसेंट अब एट टू फोर थ्री ज़ीरो एट एट टू फोर थ्री ज़ीरो माइनस सेवन 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 डबल ज़ीरो दैट मीन्स फोर सेवन थ्री ज़ीरो इस पर लगेगा मेरा फोर्टी परसेंट वैसे तो फोर्टी परसेंट थ्री सेवन सेवन डबल जीरो से आगे का लगता है लेकिन मैंने बताया था जैसे डोनेशन में जो भी हम पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी हम पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम स्लैब में भी अपना ऐड कर लेंगे तो मेरा जो टैक्स बनेगा सेवन 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 डबल जीरो इंटू ट्वेंटी परसेंट इट इज वन फाइव फाइव फोर जीरो और फोर सेवन थ्री जीरो इंटू फोर्टी परसेंट इट इज वन एट नाइन टू तो टोटल जो मेरे को टैक्स पे करने हैं इट इज वन सेवन फोर थ्री टू वन सेवन फोर थ्री टू ये होगी मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी तो क्या बेनिफिट मिला मेरे को एक तो मेरे को बेनिफिट ये मिला कि अपनी जेब से मुझे देने पड़े थर्टी टू थाउजेंड और बेनिफिट मिल गया फोर्टी का और फोर्टी से मेरा स्लैब रेट बढ़ता चला गया ठीक है चलो गाय करते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स है ये तुम सब केसेस में कर लेना क्योंकि हमने डोनेशन के केस में सब में करी हुई है मैं सिर्फ तुम्हें ये वाला बेनिफिट बता देता हूं तो ईड के केस में पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है सिक्सटी ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव तो विच एवर इज लोअर तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी इज फाइव थाउजेंड तो मेरे को कितने पेंशन में जमा कराने पड़ेंगे कराने से सिक्सटी थाउजेंड और मैं फ़ाइव थाउजेंड जमा नहीं कराऊंगा नेट में कराऊँगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड डिपॉजिट ठीक है कितने जमा करना है मुझे फिफ्टी फाइव थाउजेंड सिंपल है गाइस मुश्किल तो नहीं है है ना बस और उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल ठीक है ना हम इनकम टैक्स एल्कुलेट करना ना इस पर इनकम टैक्स लगा लो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस पी ए वन टू फाइव सेवन जीरो जो भी अमाउंट आएगा तो वो पहले स्लैब में ही आ रहा है उसका ट्वेंटी परसेंट सीधा सीधा टैक्स हो जाएगा बिल्कुल सिंपल है अब आता है फ़्रान के केस में अब देखो फ्रान के केस में पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है थर्टी थाउजेंड ट्रेडिंग प्रॉफिट दिस विच एवर इज़ लोअर सो थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट हमें बेनिफिट मिलेगा सिक्स थाउजेंड का तो हमें पेंशन में डालने थे थर्टी थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड अब नहीं डालने दैट मींस हमें ट्वेंटी फोर थाउजेंड अपनी पॉकेट से पेंशन फंड में डालने अब हमारे को अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे टैक्स निकालने तो वन नाइन फाइव डबल जीरो इस पर पर्सनल अलाउंस तो मिलेगा नहीं क्योंकि पर्सनल अलाउंस हमने पढ़ा था एक फिगर के बाद चेंज हो जाता है तो यहाँ मुझे पर्सनल अलाउंस तो मिलेगा नहीं अब जो स्लैब रेट है मेरा जीरो टू थ्री सेवन सेवन डबल जीरो कितना पेंशन में मेरे को अमाउंट जमा मैंने ट्वेंटी फोर थाउजेंड किया है बेनिफिट तो थर्टी थाउजेंड का मिलेगा जैसे मैंने बताया था थ्री सेवन सेवन डबल जीरो प्लस थर्टी थाउजेंड दैट मीन जीरो टू सिक्स सेवन सेवन डबल जीरो दूसरा आएगा सिक्स सेवन सेवन डबल जीरो टू वन फिफ्टी बट वन फिफ्टी में भी थर्टी ऐड हो जाएंगे तो वन एट्टी और तीसरा आ जाएगा वन एट्टी तो यहां पे जीरो टू सिक्स सेवन सेवन डबल जीरो सिक्स सेवन सेवन डबल जीरो टू वन एटी और वन एट्टी अबव इस पर मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा तो वो आई नो तुम सबको टैक्स कैलकुलेट करना आता है ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेनिफिट अमाउंट ऑफ बेनिफिट हम ऐसे निकालेंगे और कितना हमें टैक्स में बेनिफिट मिला है तो दो तरीके से हमें बेनिफिट मिलते हैं एक तो हमें बेनिफिट में दोबारा बोल रहा हूँ कौन सा मिलता है कि हमें टोटल बेनिफिट मिलेगा इतने का अमाउंट का लेकिन जमा कराने हमें इतने ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये अमाउंट हमें नहीं जमा कराना ये एच से ऑटोमेटिकली पे करेगी तो एक तो ये बेनिफिट मिल गया अगर मुझे बेनिफिट मिल रहा है फाइव थाउजेंड का मैं फाइव थाउजेंड का मुझे बेनिफिट मिल रहा है और देने मुझे फोर एट टू जीरो हैं तो एक तरह सेवन ट्वेंटी का एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है पेंशन में मुझे तुम्हें पेंशन में पाँच हज़ार जमा कराना है मैं बोल रहा हूँ तुम चार हज़ार जमा करा दो वन थाउजेंड मैं जमा करा दूँगा तुम्हारे बिहाफ पे तो वन थाउजेंड का टैक्स बेनिफिट हो गया तो एक तो बेनिफिट ये मिल रहा है और दूसरा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि हमारा जो स्लैब रेट है वो भी इस अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है जैसा डोनेशन के केस में होता था तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना एक दो तीन बार करना तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा